वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सफी स्टडी जी के स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक से स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लास सिक्स सेवन्थ एट में पढ़ते हैं, या आप किसी भी तरीके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको स्क्वायर रूट के क्वेश्चन मिलते हैं, तो अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप स्क्वायर रूट ईजिली निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर होता क्या है। एनी नंबर When it rise to the power 2, then it is called the square of that number। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर मतलब किसी नंबर की पावर rise 2 हो, उस नंबर को हम स्क्वायर कहते हैं, उस नंबर को स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि ये 3 है, 3 के ऊपर हमने 2 लिख दिया, तो ये 3 2 है, ये इसका स्क्वायर हो गया, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 3 की जगह आप यहाँ पर 5 लिख दें और पावर 2 लिख दें, तो ये स्क्वायर। मतलब जहाँ पे आपको ये दिखे पावर 2, तो आपको ये समझ लेना है कि नंबर का स्क्वायर करना है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 एंड वी से दैट द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। मतलब 5 का स्क्वायर जो है वो 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे 5 इंटू 5, यानी कि अगर दूसरी तरीके से आप देखेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है द नंबर है मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज़ नोन एज एन स्क्वायर। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट द नंबर है मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज़ नोन एज एन स्क्वायर। तो अब 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा। उसी तरीके से दूसरा है 7 का स्क्वायर, जहाँ पे हमें ये पावर किसी भी नंबर पे अगर हमको पावर 2 दिखेगी, तो आपको सिंपली समझ लेना है कि उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी उसका स्क्वायर करना है, यानी उसको दो बार मतलब उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये है, उसका मल्टीप्लाई करना। और जहाँ पे क्यूब वाला पे क्यूब में जो है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो जब क्यूब वाला चैप्टर देखेंगे उसमें देखेंगे। फिलहाल स्क्वायर में देखते हैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 7 × 7 49, 7 × 7 = 49। तो ये 49 जो है 7 का स्क्वायर है। बिल्कुल सिंपल है स्क्वायर, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपको मतलब जिस क्लास से शुरू हो जाएंगे, 5 से ले के आप किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्ज़ाम की, बड़े एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे, उसमें भी आपको एक आधे क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट से मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब स्क्वायर रूट से इस तरीके से मिलें, लेकिन स्क्वायर जो है आता है नंबर में, जैसे सी सैट के पेपर में भी आता है स्क्वायर, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज़ 289 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 289 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर आप किसी बड़े लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए, मतलब दिमाग में आपको आना चाहिए कि 16 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 × 36, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, और 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49। मतलब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे कि अगर कोई मतलब 6-7 क्लास का स्टूडेंट भी वीडियो देख रहा है, तो उसके भी ये चीज़ समझ में आए। तो चलिए देखते हैं 289 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे। देखिए, स्क्वायर करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि 289 यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद जो है इसको हम काटेंगे। किस नंबर से कटेगा वो जो है हम इसको देखेंगे, काटेंगे किस नंबर से कटेगा। छोटे नंबर से शुरू करते हुए आपको देखना है कि किस नंबर से कट रहा है। तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगर ये नंबर किसी से नहीं कट रहा है, तो ये नंबर जो है, देखिए अगर आपको इस तरीके से करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। बड़ा नंबर अगर आपको 1 से लेकर 10 तक किसी नंबर से नहीं कट रहा है, तो आप उसको डिवाइड करके ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हो गया 289, और इसको अब हम किस नंबर से, यानी कि इसको अब देखना है अब किस नंबर से डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड होगा 17 से, 17 × 17 119, और 17 का जो टेबल हम 17 के टाइम मतलब 17 × 7 करेंगे, 17 × 7 होता है 119, तो ये 17, यानी कि ये 17 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 289 अब 17 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 289 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17, 17 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपको अगर देखना है परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये देखिए इस तरीके से भी आप देख सकते हैं 17 × 17,
7 7 49 का 9 4 कैरी, 7 का 7 4 11 इंटू 1 7 7 1 1 1, यानी कि 9 7 8 और ये 2, तो 289 जो है 17 का स्क्वायर है, तो 289 एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी तरीके का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कैलकुलेशन मस्ट है, टेबल आपको आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीज़न आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, एडिंग आना चाहिए, ये सब चीज़ें बेस अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज 324 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 324 परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखिए 324 ये 324, अब ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी इसका फैक्टर करेंगे। सबसे पहले देखिए 324 इसको हम 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 6 12 और 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 9 9 81 और 9 1 9, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टर क्या आ गया, 2 × 2 × 9 × 9, ये इसका फैक्टर है। अब स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका एक एक हम पेयर बना देंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हो गया, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 × 9, ठीक, और 9 9 18, तो ये जो है 324 जो है ये हमारा 18 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी 324 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपको क्वेश्चन में जो है मतलब एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे, बड़े लेवल के एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये दिया होगा, उसके बाद ऑप्शन दिए होगा कि मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, चार ऑप्शन दिए हुए, तो आपको सॉल्व करके लिखना है यस 324 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर 18 का। अब 18 को हम देखेंगे, अगर दूसरी तरीके से देखना है 18 × 18, 8 8 64, 8 8 64, 6 8 8 6 14, ठीक, 1 1 8 और 1 1 1, 4 8 4 12 का 2, 1 8 2 1 3, 324 324 18 का स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है 18 का 324। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो है किसी भी छोटे मतलब जो 6 7 8 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। बाकी जो आप अगर अच्छे लेवल से तैयारी करें, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आपको इन सब चीज़ों इन सब नंबरों का स्क्वायर रटा हुआ होना चाहिए, दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 14641 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब 14641 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, स्क्वायर रूट फाइंड करिए। चलिए अब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 14641 और फैक्टराइजेशन किस तरीके से करना है, वो इस तरीके से करना है, ये हो गया 14, ये हो गया 6, ये हो गया 41, ठीक है। अब इसको किस नंबर से काटेंगे, देखिए इसको हम काटेंगे 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, इसको हम काटेंगे 11 से, 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33, 36 हो गया, 3 बचा, 11 3 33, उसके बाद यहाँ पे 3 बचा, 11 3 जा 33, और फिर यहाँ पे बचा 1, 11 1 जा 11, उसके बाद फिर हमको इसको 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, उसके बाद यहाँ पे जो है 2 बचा, 11 2 22, और फिर 1 बचा 21, ठीक। उसके बाद 11 से फिर काटेंगे, 11 1 9 11, और 11 1 9 11, उसके बाद 11 से फिर काट देंगे, यानी ये हमारा पूरा कट गया, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे हम इसको, 11 × 11 × 11 × 11, ठीक है।
ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसको अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट में इस तरीके से लिखा जाता है, ये अंडर रूट 14641। अब इसका पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 11 × 11 यानी कि 121 जो है इसका फैक्टराइजेशन करने पे निकलेगा, स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसका 121 निकलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने पे। देखिए सिंपल तरीके से कराया है, आसान क्वेश्चन कराए हैं, अभी फ़िलहाल चैप्टर की शुरुआत है और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही इजी है स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना, इसी तरीके से क्यूब और क्यूब रूट निकालना, इसी तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस और जितने भी चैप्टर हैं धीरे धीरे निकालते चले जाएंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।